सो फाइनली ये है मीवी सुपर पॉट्स ओपेरा ANC। 2500 रुपए की प्राइस में एल्डेक हाईरेज ऑडियो कोडेक के साथ आने वाले पहले मेड इन इंडिया ईयरबड्स है। इतने कम प्राइस में आपको और कोई भी ईयरबड्स हाईरेज ऑडियो कोडेक प्रोवाइड नहीं करते। मीवी ने इसको फ्लैगशिप किलर बोल के लॉन्च किया है, क्या सच में ऐसे है या फिर सिर्फ ऑन पेपर ही फ्लैगशिप किलर है? वैसे मैंने इसको एक दो दिन यूज किया है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, लास्ट में उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अभी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 27 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। इससे पिछले सेल में CMF बर्ड्स प्रो 2 को मैंने सिर्फ 2700 में बाय किया है, जो 4300 रुपए की ईयरबड्स है। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 की प्राइस भी 5000 तक कम हो गई थी, जो 10000 रुपए की स्मार्ट वॉच है। रियलमी बर्ड्स T300 भी आपको 1200 रुपए के देखने को मिल रहे थे, जो 2300 रुपए की ईयरबड्स है। ये 54000 वाला लैपटॉप सिर्फ 36000 में, और ये ऑनर मैजिक वॉच 2 जो 1200 रुपए वाली स्मार्ट वॉच है सिर्फ 5500 रुपए की मिल रही थी। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ देर के लिए लाइव होती है, अगर इनको मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है। तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते इसके क्विक अनबॉक्सिंग से। सो कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है, बॉक्स के पीछे आपको इसके सभी हाइलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं, जिसको हम आगे डिटेल में चेक करेंगे। बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले आपको मिलता है इसका यूजर मैनुअल, उसके बाद इसकी केस, एक टाइप से चार्जिंग केबल और दो एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ ईयर टिप्स। अब बात करते इसके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो कुछ इस तरह का इसका डिजाइन है, काफी यूनिक और दिखने में भी प्रीमियम लगता है। वैसे इसके ऊपर जो ग्लॉसी क्रोम फिनिश दिया गया है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स और स्क्रैचेस वगैरह बहुत जल्दी आने वाले हैं। बिल्ड क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी सेम प्राइस में आपको बाकी ईयरबड्स में देखने को मिलती है। लीड की क्वालिटी भी काफी एवरेज है और हिंजेस भी प्रॉपरली फिट नहीं है। ईयरबड्स की बात करें तो कुछ इस तरह का इसका डिजाइन है, इस पर भी आपको सेम फिनिश मिलेगी जो केस पर है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। फिटिंग को लेकर भी मुझे कोई ज्यादा इशू नहीं लगा। IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी इसमें आपको मिल जाएगी, सो नॉर्मल पानी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो लुक्स और डिजाइन को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन बिल्ड क्वालिटी 2500 रुपए की सबसे काफी एवरेज है, स्पेशली इसके हिंजेस। फिर भी ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं इसको दूंगा 7.5/10। अब एक बार जल्दी से इसके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। 13 mm के बड़े साउंड ड्राइवर्स, LDAC हाई रेज ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स विद ANAURBANDLE नॉइस कैंसिलेशन, 35 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, स्पेशल 3D ऑडियो, वॉइस रेजिस्टेंट, IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जिसमें सिर्फ 10 मिनट चार्ज से 8 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 60 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलती है। देखो ऑन पेपर तो फ्लैगशिप किलर लग रहे हैं, लेकिन इस फ्लैगशिप किलर में आपको इंस्टेंट वेक एंड पेयर का सपोर्ट नहीं मिलता। ईयरबड्स को आपको केस से बाहर निकालना पड़ता है, तब ये कनेक्ट होते हैं। वैसे इसमें LDAC हाईरेज ऑडियो कोडेक का सपोर्ट है, जो कि इस प्राइस में बहुत बड़ी बात है, इसलिए ओवरऑल इसकी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के लिए मैं इसको दूंगा 9.5/10। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो मीवी ऑडियो एप्लीकेशन का इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से आपको इसके एप्लीकेशन को कनेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ईयरबड्स की बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगी, उसके बाद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड के ऑप्शन है। यहाँ पर आपको 8 इक्वलाइजर मोड और कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद स्पेशल ऑडियो और वॉल्यूम बूस्टर के ऑप्शन है। यहाँ पर आपको टच कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप इसके सभी टच कंट्रोल्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, साथ ही गेमिंग मोड और किड्स मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वैसे किड्स मोड को ऑन करते हो तो बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम 60% पर सेट हो जाता है, और लास्ट में यहाँ पर फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन में मैंने क्या क्या इशू फेस किया है। सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने इसके एप्लीकेशन को बनाया है, बिल्कुल अनप्रोफेशनल एप्लीकेशन है। मैं खुद ही एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, इसलिए आपको इस बारे में बता सकता हूँ। दूसरी बात, ईयरबड्स को एप्लीकेशन से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर ये कनेक्ट भी हो जाते हैं फिर भी प्रॉपरली वर्क नहीं करते, पहली बात तो जल्दी कनेक्ट ही नहीं होंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन में बहुत सारे बग्स है, उसको फिक्स करना होगा, और ऐप बहुत लैग भी करता है। ओवरऑल इसके एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए मैं इसको दूंगा 5/10। अब बात करें इसके माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। सबसे पहले इसके माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जब सुन रहे हो मीवी सुपर पॉट्स ओपेरा के माइक्रोफोन से इंड्रो कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह के माइक क्वालिटी आपको इंड्रो कंडीशन में मिलेगी। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है मीवी सुपर पॉट्स ओपेरा का। अभी हम आउटर्स में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटर कंडीशन में मिलेगी। देखो क्वाड माइक्रोफोन्स का सेटअप है, मैं कहूंगा माइक क्वालिटी थोड़ी एवरेज है, क्योंकि इस प्राइस में आपको 6 माइक्रोफोन्स के साथ आने वाले ईयरबड्स मिलते हैं, लेकिन क्वाड माइक्रोफोन्स के साथ आने वाले ईयरबड्स के कंपैरिजन में भी इसकी माइक क्वालिटी मुझे थोड़ी सी एवरेज लगी। वैसे कॉलिंग के लिए मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके अलावा अगर बात करें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो जब मैं इसके ANC को टेस्ट कर रहा था तब ये इसके एप्लीकेशन से कनेक्ट हो ही नहीं रहे थे। दोस्तों अभी तक का सबसे वर्स्ट एप्लीकेशन मैंने इसमें देखा है। खैर इसमें 35 dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, जो एक्चुअल में 15 dB ANC की तरह भी वर्क नहीं करता। इसका ANC आपके कुछ भी काम नहीं आने वाला।
फिर भी ओवरऑल इसकी माइक क्वालिटी और ANC के लिए मैं इसको दूंगा 6 out of 10। अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो एक बार इसकी गेमिंग और लेटेंसी टेस्ट को देख लो। देखो इसमें कितनी लेटेंसी दी गई है कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, फिर भी आप डिसेंट लेवल की गेमिंग कर सकते हो। ओवरऑल इसकी गेमिंग और लेटेंसी के लिए मैं इसको दूंगा 8 out of 10। अब बात करते हैं इसके मेन साउंड क्वालिटी की, तो इसके डिफॉल्ट मोड में मैंने इसके सभी ऑडियो को टेस्ट किया है, साथ ही इसका LDAC हाई रेज मोड भी ऑन था, तो किसी अच्छे हेडफोन के साथ इसके ऑडियो को सुनो, आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले वोकल टेस्ट। ये थी इसकी एक्चुअल साउंड टेस्ट। दोस्तों अभी तक मैंने हाई रेज ऑडियो कोडेक के साथ आने वाले Realme Buds Air 6, Realme Buds Air 5 Pro, Oppo Enco Air 3 Pro, OnePlus Buds 3, Phil CC Pro 2 और Realme Buds Air 6 Pro जैसे ये बर्ड्स को रिव्यू किया है। इन सभी में सबसे वर्स्ट ऑडियो क्वालिटी मुझे इसकी लगी। LDAC हाई रेज ऑडियो कोडेक के नाम पर खाली धब्बा है। वैसे एक इंडियन ब्रांड है तो मैं काफी एक्साइटेड था, लेकिन अभी मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। इस तरह की ऑडियो को मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वोकल्स की क्लैरिटी बिलो एवरेज है, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, और अगर बेस की बात करें तो इससे वर्स्ट बेस मैंने किसी भी अंडर 2000 वाले ईयरबड्स में नहीं सुना है। इसके इक्वलाइजर मोड्स भी आपके उतने काम नहीं आने वाले। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार ओप्पो इनको बर्ड्स 2 से इसकी ऑडियो कंपैरिजन सुन लो, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। The universe and I was revolving like a sun on my own. So इसके बाद मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा और इसको कोई भी रेटिंग्स नहीं दूंगा, आप अपने हिसाब से इसको रेट कर सकते हो। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि एक इंडियन ब्रांड है और मुझे फीचर्स वाइज काफी तगड़े लग रहे थे। वैसे देखो पैसे आपके हैं, आप खुद समझदार हो, आपको अपने पैसे किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने हैं। फिलहाल तो मैं आपको इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।